हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लिविंग वर्ल्ड कप डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉरी, पार्ट टू है। पार्ट वन भी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। लीनियस इज क्रेडिटेड विद ए बायनोमियल नोमल क्रिएचर, बी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, सी डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। ए बायनोमियल नोमल क्रिएचर, आपको पता है जैसे कि लीनियस ने हमें बायनोमियल नोमल क्रिएचर दिया था। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और फिर उसके बाद सेकेंड इलेवेंथ क्वेश्चन, लीनियस इन्वॉल्व्ड अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड बायनोमियल। इसको सी ऑप्शन, सी इज बायनोमियल, क्योंकि दो क्वेश्चन दिए थे उसने, एक स्पेसिफिक एपिथेट और जीनस, तो इसलिए उसको दो नाम है, इसलिए इसको बायनोमियल बोलते हैं। जैसे हमारा भी नेम और सरनेम होता है, वैसे ही लीनियस ने उसी को यूज़ करके दो बायनोमियल दिए थे, आप ऐसे याद रख सकते हैं दो। क्वेश्चन नंबर 12, द न्यू सिस्टमैटिक्स वॉज इंट्रोड्यूस बाय सी जूलियन हक्सले ने किया था, लीनियस ने किया था, बेंथम हुकर ने तो वो दी थी, बुक लिखी थी जनरा प्लांटरम। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कि मैच द फॉलोइंग करना है इसमें। फैमिली, आपको पता ही है कि क्या फैमिली क्या है, ये एनसीईआरटी में टेबल दे रखा है, उसके उस पर ही नीट पे क्वेश्चन पूछा गया। फैमिली ए मुस्कडे, ए का थर्ड, बी का होगा ऑर्डर का डिप्तेरा, क्लास ऑर्थोपोडा, तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन 13 का ए। 14, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ कहाँ, ए फैमिली, कैसे, क्योंकि सोलनम ट्यूबरसम, सोलनम टोमेटो इज लाइक कॉपरसिकम स्केलेंटम, इसका साइंटिफिक नेम, पोटैटो का सोलनम ट्यूबरसम, अब ये दोनों एक ही फैमिली में आते हैं जिनका नाम है सोलनेसी, तो इनकी मैक्सिमम लेवल जो सिमिलरिटीज होगी एक ही फैमिली में सोलनेसी की होने की वजह से इनकी मैक्सिमम सिमिलरिटी फैमिली में होगी। 15th, तो वो पूछ रहे कॉमन करेक्टली क्या क्या मेंशन किया रखा है, जैसे इंटरनेशनल नेमिंग के हिसाब से, ए उसका डोमेस्टिक कॉमन रेप्टाइल गलत, बी प्लास्मोडियम फेल्सरम प्रोटोजोआ पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, सही बात है, बी ये हमको मिलेगा कहाँ पे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पैराग्राफ दे रखा है, आप ध्यान से देखिए इसके ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विद द पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ए टाइगर टिग्रिस स्पीशीज, सही बात है, 16th का ए। 17, स्पीशीज आर कंसिडर्ड हैज लोएस्ट यूनिट, आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट, रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय एक्टोनोमी, ए रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं ए और डी में, डिवाइज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट नहीं होता, वो रियल बेसिक यूनिट ऑफ कॉम्बिनेशन, रियल क्योंकि हम स्पीशीज को देख सकते हैं, बाकी सारी वर्चुअल होती है, स्पीशीज इज द ओनली रियल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। नेक्स्ट 18th पे करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस जनरल इन करेक्टर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं MTG के मैंने अपलोड कर रखा है लिविंग वर्ल्ड का, उसमें भी है लेस जनरल, इसमें लोग धोखा खा लेते हैं, लेस जनरल का मतलब है मोर स्पेसिफिक, तो ज्यादा सिमिलैरिटी, तो 18th का ए स्पीशीज आंसर है। टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी, बी आंसर है। सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, आपको पता ही है, आपको एक इसका एक वो बता रहा हूँ मैं, एक ट्रिक है इसकी, KDC ऑफ जनरल साइंस, KDC ऑफ जनरल साइंस एक ट्रिक है इसकी, जिससे हमको पता चल जाता है, तो K किंगडम, D फॉर डिवीजन, C क्लास ऑफ ऑर्डर फैमिली, और जनरल साइंस जीनस स्पीशीज, तो उस बिना पे आप ये वाला आंसर देख सकते हैं 20 वाला, ठीक है। नेक्स्ट 21 पे, द टर्म फाइनल फाइलम वॉज गिवन बाय, ये टर्म फाइनल किसने दिया था, टर्म फाइनल दिया था हा इसने, लीनियस ने, डी टर्म फाइनलम वॉज गिवन बाय लीनियस। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 20, ग्रुप ऑफ एनिमल विद सिमिलर टेस्ट ऑफ एनी रैंक बिलोंग टू, ग्रुप ऑफ एनिमल विद सिमिलर टेस्ट ऑफ एनी टाइम बाय इसका डी टैक्सॉन,